हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेन का फंक्शनल और यू कैन से नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट, एंड स्मॉल प्रोजेक्शंस के साथ साथ एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होगा विच इज़ कॉल्ड एज एक्सोन। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, वो इस स्टिमुलस को रिसीव करके रिस्पोंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो स्टिमुलस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, और उसके बेसिस पर हम लोग रिस्पोंड कर सकते हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें माइलिन शीट होती है दे आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड, जिनमें नहीं होती दे आर कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है, अपार्ट फ्रॉम की माइलिन शीट होती है नहीं, तो कंडक्शन की जो स्पीड है, इट मीन्स जो इम्पल्स ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है माइलिनेटेड में, और रिलेटिवली कम स्पीड होती है कंडक्शन की नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होने के साथ ही एक जंक्शन बना लेता है, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स और यू कैन से न्यूरॉन। नर्व्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, अ बंडल ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी का मतलब होगा ऐसी नर्व्स जो स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद अल्टीमेटली कहाँ तक भेजेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और मोटर का मतलब होगा कि जो स्टिमुलस खुद जनरेट करे नर्वस सिस्टम और रिस्पोंड हम लोग हमारी मसल्स के थ्रू करें, तो वो रिस्पोंड वाला पार्ट है, मोटर वाला पार्ट है। मिक्स का मतलब है ऐसी नर्व्स जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और जहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब एक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो एक सेंट्रल एक्सिस पर लोकेटेड है। सेंट्रल एक्सिस का मतलब आप टॉप से बॉटम पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस सेंट्रल लाइन पर जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये किस चीज, दो पर्टिकुलर चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें हमें डिस्कस करना है ब्रेन के बारे में, द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इट इज लोकेटेड और प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम और स्कल। स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम, वेयर इज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड और कवर्ड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड इज क्रेनियम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेन के बारे में कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल मतलब कि जो भी हम लोग मस्कुलर एक्टिविटीज या जो भी हम लोग प्रोसेसेस कंप्लीट कर पा रहे हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, उन सब को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट है और एक सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। वो सेंटर कौन सा है, हमारा ब्रेन। सबसे पहले हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्कस करना है अबाउट ब्रेन। ब्रेन नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो एक हमारे हेड के अंदर या क्रेनियम के अंदर क्या होगा, लोकेटेड है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और एक चीज़ हम लोग और समझते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करते, तो इसलिए प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। तो जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके अलावा वहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, दिस मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड इज मेनिंजेस। तो बोन अलॉन्ग विद सम मेम्ब्रेन्स दे आर कॉल्ड इज मेनिंजेस एंड अ लिक्विड विच इज कॉल्ड इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो सब मिलकर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं सो दैट कोई डैमेज, कोई इंजरी, कोई शॉक लगे तो वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को हार्म ना कर पाए, एक इंटेंसिटी से कम अगर है तो। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ब्रेन को कवर अप करने के लिए दे आर प्रोटेक्टेड बाय सबसे पहले तो क्रेनियम, अ ब्रोनी स्ट्रक्चर एंड मेनिंजेस, सम मेम्ब्रेन्स। हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नंबर ऑफ मेनिंजेस कितनी होगी, थ्री।
एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं CSF. ये फ्लूइड एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है सो दैट हमारे ब्रेन को डायरेक्टली कोई डैमेज ना हो. तो ये प्रोटेक्टिव पार्ट ब्रेन को कवर अप करेगा. एक बोन वाला पार्ट क्रेनियम, मेनिंजेस, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन्स होती हैं. इसके साथ साथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक लिक्विड जो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है और ब्रेन को डायरेक्टली डैमेज नहीं होने देता. ऑलमोस्ट जो ब्रेन का वेट होता है वो 1400 ग्राम समथिंग होगा. इस वेट की एक स्ट्रक्चर हमारे क्रेनियम के अंदर लोकेटेड होती है. ब्रेन की सबसे आउटमोस्ट कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन. दैट्स व्हाई सॉरी दे आर मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. दैट्स व्हाई दे आर लुक्स लाइक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बेसिकली कैसे दिखाई देते हैं हम लोगों को, ग्रे कलर के. दे आर लुक लाइक ग्रे. तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बाहर की तरफ होते हैं तो वो ग्रे कलर का दिखाई देता है. और इनर मोस्ट साइड में कैसे न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो इनर मोस्ट पार्ट ब्रेन का कैसा होता है, वाइट. तो ब्रेन का आउटर मोस्ट कवरिंग ग्रे कलर की होगी, इट मींस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. और इनर मोस्ट पार्ट वो वाइट है, इट मींस माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वहां पर होंगे. तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ग्रे अपीयरेंस देंगे आउटसाइड या आउटर पार्ट में लोकेटेड. माइलिनेटेड न्यूरॉन कलर अपीयरेंस होगा व्हाइट. इनर पार्ट में लोकेटेड. थोड़ा सा हम लोगों को ये सोचना होगा कि अब जब हम लोग स्पाइनल कोड की बात करेंगे तो वहां वेरिएशन होगा. वहां वेरिएशन है आउटर और इनर पार्ट की तरफ. यहां ब्रेन के लिए आउटर मास्ट जो पार्ट होगा वो होगा ग्रे और इनर वन इज वाइट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ माइलिन शीट. माइलिन शीट का अपीयरेंस कैसा होगा, वाइट. तो ब्रेन में हम लोगों को उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना होगा कि जो ब्रेन है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके फंक्शन क्या होंगे, ब्रेन किस किस फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. तो पार्ट्स की बात करते हैं. ब्रेन के तीन पार्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के फर्दर तीन पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स, देन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम, एंड फाइनली डायनसेफेलोन. ये तीन पार्ट हमें डिस्कस करने हैं फोर ब्रेन के. मिड ब्रेन में हम लोग दो पार्ट डिस्कस करेंगे, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल पेडेंकल्स. यह है मिड ब्रेन के दो पार्ट. देन द हाइंड ब्रेन के हमें तीन पार्ट डिस्कस करने हैं, सेरेबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा. तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट डिस्कस करेंगे, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलोन. मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होंगे, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरेब्रल पेडेंकल्स. एंड हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हम लोगों को डिस्कस करने हैं, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा. इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेड्यूला एंड डायनसेफेलोन का एक पार्ट हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, विच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. तो यहां पर डायनसेफेलोन में हमें बेसिकली एक पार्ट डिस्कस करना है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन. डायनसेफेलोन के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. इंपॉर्टेंट वन इज हाइपोथैलेमस, वो हमें यहां पर डिस्कस करना होगा. तो ब्रेन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फोर, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के तीन पार्ट डिस्कस करने हैं, मिड ब्रेन के दो पार्ट डिस्कस करने होंगे और हाइंड ब्रेन का हमें तीन पार्ट डिस्कस करना होगा.
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर ब्रेन से. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन. फोर ब्रेन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब हम लोग हमारे ब्रेन को इस साइड से देखना स्टार्ट करेंगे, डोर्सल व्यू से देखना स्टार्ट करेंगे, तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखेगी ब्रेन में डोर्सल व्यू से, वो जो ग्रे अपीयरेंस हम लोगों ने मेंशन किया था, वहाँ पर हमें ब्रेन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड लगता है. ठीक है, वो दोनों पार्ट्स हमें ऊपर से यही दिखाई देगा, पर हम लोग जब उसे रोटेट करके इनर मोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे, तो देर आर मल्टीपल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हैं जो थोड़ा सा डीप के अंदर होते हैं. तो आउटर मोस्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. तो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट ओल्फैक्टरी लोब्स. ओल्फैक्टरी लोब्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल डिटेक्शन. इट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद नेजल कैविटीज, हमारी नेजल कैविटीज से कनेक्टेड है, और वहाँ से जो भी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास एक स्टीमुलस आएगा, उसे रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद उसे अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए या रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसे ब्रेन तक भेज दिया जाएगा. तो ये वाला पार्ट ओल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं, ओल्फैक्टरी जो पार्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल डिटेक्शन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल डिटेक्शन. पेयर फॉर्म में होता है, दो स्ट्रक्चर होती है यहां पर, दे आर कॉल्ड एज स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड एज ओल्फैक्टरी बल्ब एंड द ट्रैक इज कॉल्ड एज ओल्फैक्टरी ट्रैक. ओल्फैक्टरी बल्ब एंड ओल्फैक्टरी ट्रैक. ओल्फैक्टरी बल्ब इज कंसर्न विद नेजल कैविटीज, वेयर इज ओल्फैक्टरी ट्रैक इज कनेक्टेड टू द अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम और अ पार्ट ऑफ ब्रेन, वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, सो दैट स्मेल को डिटेक्ट करने के बाद उसे सिंक्रनाइज किया जा सकता है. उसे रिकग्नाइज करने के लिए हम लोग जो प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी उससे उसे मैच किया जा सकता है कि ये स्मेल पर्टिकुलर इस स्मेल से हम लोग फैमिलियर हैं या नहीं. तो ये सारे काम ओल्फैक्टरी लोब्स का काम है, ये बेसिकली स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सेकेंड जो पार्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम. सेकेंड वन इज सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम. सेरेब्रम को जब हम लोग डोर्सल व्यू से देखेंगे तो देयर आर बेसिकली टू पार्ट्स. These two parts are called as cerebral hemisphere. Cerebrum के दो parts हमें dorsal view से दिखाई देंगे. These parts are called as cerebral hemisphere. और एक groove हमें वहाँ पर दिखेगा. A groove जो cerebrum को कितने parts में divide कर देता है? दो part में divide कर देता है. These two parts are called as cerebral hemisphere. ये दोनों parts हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे divided है, completely divided है, पर ऐसा होता नहीं है. डोर्सल व्यू से हम लोग जब हम देख रहे हैं तब हम दो पार्ट्स देख पाते हैं, पर जब हम लोग डीप में देखेंगे, इस मीन्स हम लोग उसे डोर्सल व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो दो पार्ट हमें दिखाई देंगे ब्रेन के, सेरेब्रम के. वो दो पार्ट्स ऐसा लगता है जैसे डिवाइडेड है, पर बेसिकली वो सुपरफिशियली दो पार्ट में डिवाइडेड है, पर इनर मोस्ट पार्ट में जब हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. और इस अपर मोस्ट पार्ट में आपको कुछ ग्रूव्स दिखेंगे, कुछ लाइंस दिखेंगी. जितनी ज़्यादा वो ग्रूव्स होंगे उतना ही बेटर एरिया इंक्रीज करेंगे और उतना ही बेटर न्यूरॉन्स का अक्यूमुलेशन होगा. तो इस केस में ये दोनों पार्ट्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम के दोनों पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं. अगर हम लोग लेटरल व्यू से देखें तो लेटरल व्यू में ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर. दिस बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दोनों पार्ट हम लोग लेटरल व्यू देख रहे हैं अभी. इसका लेटरल साइड से जब देखेंगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. यह है ग्रूव थी, दिस वन,
जब हम लोग डीप में चलेंगे तो एक डेप्थ तक वो आपको ग्रूव दिखाई देगा, उसके बाद दोनों पार्ट्स एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर से इस तरीके से दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर देती है। ये थे स्ट्रक्चर के बारे में कि सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है डीप में। पर इसके फंक्शन की बात करते हैं कि ये बॉडी में क्या काम करते हैं। लार्जेस्ट पार्ट है तो ऑब्वियसली इसके फंक्शन भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो हम लोग इसके फंक्शन एक स्ट्रक्चर में मेंशन कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स में हम लोग सेरेब्रम को भी डिवाइड करते हैं, सेरेब्रम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, दिस वन इज कॉल्ड इज फ्रंटल, दिस वन इज पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। सेरेब्रम के फर्दर चार पार्ट्स, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड साइड में टेम्पोरल। फ्रंटल आगे वाला पार्ट है, देन फॉलोड बाय पेराइटल, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर साइड में जाएगा, एंड द साइड में दोनों पार्ट्स कौन से होते हैं, टेम्पोरल पार्ट। फंक्शन की बात करते हैं, फ्रंटल पार्ट इज एसोसिएटेड विद IQ, इंटेलिजेंस, एसोसिएशन पावर, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फ्रंटल पार्ट। तो IQ, इंटेलिजेंस, एसोसिएशन एरिया, ये सब फ्रंटल का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दीज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंटल वाला पार्ट। पैराइटल सेंसरी पार्ट, इट इज रिलेटेड टू सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक टच, पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराइटल, सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऑक्सीपिटल, इट इज रिलेटेड टू आर विजन, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीपिटल वाला पार्ट। नाउ द टेम्पोरल वन फॉर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, इट मीन्स हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, टेम्पोरल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ऑल्फैक्ट्री ट्रैक। तो ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स का काम था स्मेल को डिटेक्ट करना, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के लिए या पहले से सेव्ड इंफॉर्मेशन से मैच करने के लिए यहाँ पर टेम्पोरल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल डिटेक्शन। तो स्मेल से भी रिलेटेड होगा टेम्पोरल वाला पार्ट। तो सेरेब्रम के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पर। हम लोग सेरेब्रम को भी फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंटल, IQ, इंटेलिजेंस, एसोसिएशन एरिया, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैराइटल, इट इज रिलेटेड टू द सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक द टच, पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड। ऑक्सीपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, टेम्पोरल फॉर द स्मेल डिटेक्शन एंड फॉर ऑडिटरी फॉर्मेशन, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये था सेरेब्रम वाला पार्ट। इसके अलावा दो हमें एक पार्ट और डिस्कस करना है, द थर्ड वन पार्ट ऑफ फोरब्रेन विच इज डायन्सेफेलोन। डायन्सेफेलोन में हम लोग दो पार्ट डिस्कस करेंगे, एपिथेलेमस। डायन्सेफेलोन, इट इज लोकेटेड इन थर्ड वेंट्रिकल। ब्रेन में जो भी कैविटीज फॉर्मेशन होता है दे आर कॉल्ड इज वेंट्रिकल्स। तो थर्ड वेंट्रिकल में एपिथेलेमस लोकेटेड है, देन हाइपोथैलेमस। हेपिथैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर का मतलब होता है दो पर्टिकुलर पार्ट को ब्रेन में मैसेज को कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा
एंड सेरेब्रम, इनके बीच में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिले सेंटर की तरह काम करता है, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा से मैसेज को सेरेब्रम तक ट्रांसपोर्ट कर पाता है। हाइपोथैलेमस एक न्यूरोएंडोक्राइन पार्ट है, न्यूरोएंडोक्राइन का मतलब है, हम लोग इसका एक पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंडोक्राइन पार्ट। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। हमने एंडोक्राइन में भी डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस बेसिकली एक ब्रेन का एसएच पार्ट है जो न्यूरॉन्स का ही बना होगा, पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे बोला जाता है। नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तो एक तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट कि कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है वो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द एंडोक्राइन सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम इसके और फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक ये हमारे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, भूख प्यास लगना, सोना जागना, इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्मोरेगुलेशन, इट मींस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हाइपोथैलेमस के पास एक सेंटर है, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग एंडोक्राइन का पार्ट मान सकते हैं, वो हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, बिकॉज ऐसे बहुत से सिक्रेशन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये हमारे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोगों ने फोर ब्रेन के तीन पार्ट डिस्कस किए, सेरेब्रम, ओल्फैक्ट्री एंड डाइनसेफेलोन। ओल्फैक्ट्री इज रिलेटेड टू द स्मेल डिटेक्शन, सेरेब्रम इज अ लार्जेस्ट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब आप सोच समझ कर जो मूवमेंट करते हो, इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोमेटिकली जो बॉडी परफॉर्म करती है, आईक्यू, इंटेलिजेंस, लर्निंग, स्पीच, लैंग्वेज, बोलना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, सुनना, देखना, इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो हमारा पार्ट है वो है सेरेब्रम वाला पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट। डाइनसेफेलोन में हमने एपिथैलेमस को डिस्कस किया, एपिथैलेमस एक रिले सेंटर की तरह काम करता है, थर्ड वेंट्रिकल में हाइपोथैलेमस लोकेटेड है, और हाइपोथैलेमस न्यूरोएंडोक्राइन वाला पार्ट है जो एंडोक्राइन के साथ साथ नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होता है। सेकंड पर मूव करते हैं हम लोग, मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन जनरली एक रिले सेंटर की तरह काम करता है, पर इसके दो पार्ट्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिक लोब्स, ये कुछ फोर लोब्स में डिवाइडेड स्ट्रक्चर हमारे पास होती हैं, फोर लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें ऑप्टिक लोब्स बोला जाता है। दे आर रिलेटेड टू द ऑप्टिक मीन्स होगा मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, एज वेल एज फॉर हियरिंग रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑप्टिक लोब्स आर रिलेटेड टू द और द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, सो दैट ये हमारे प्रॉपर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई बॉल्स की मूवमेंट की वजह से हम लोग प्रॉपरली हम लोग देख सकते। इसके साथ साथ ऑप्टिक लोब्स दे आर रिलेटेड टू हियरिंग रिस्पॉन्स, सुनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्टिक लोब्स विजन मीन्स मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स अलोंग विद हियरिंग रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड जो पार्ट होगा वो है सेरेब्रल पेडेंकल्स। सेरेब्रल पेडेंकल्स इज रिलेटेड टू और इट वर्क्स एज अ रिले सेंटर। सेरेब्रल पेडेंकल इट वर्क्स एज एन रिले सेंटर इन बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में एक रिले सेंटर का मतलब होता है कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेब्रल पेडेंकल्स वाला पार्ट, हमारे हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है।
तो मिड ब्रेन में हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, ऑप्टिक लोब्स देन सेरेब्रल पेडेंकल्स. ऑप्टिक लोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स एंड रिलेटेड टू द हियरिंग, वेयर सेरेब्रल पेडेंकल इट वर्क्स एज ए रिले सेंटर इन बिटवीन हैंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. रिले सेंटर की तरह काम करता है सेरेब्रल पेडेंकल्स. इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के हमें तीन पार्ट डिस्कस करने होंगे. फर्स्ट वन इज सेरेबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेबेलम. सेरेबेलम बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पोस्चर का मतलब होगा कि हम लोग कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बैठना होगा, चलना कैसे, भागना कैसे. पर्टिकुलर लाइन पर अगर हमें बोला जाए कि इस पर चलना होगा, तो उस केस में सेरेबेलम हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है. लिखना सभी को आएगा, पर वो राइटिंग किस तरीके से चलेगी वो एक डिपेंड करता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज़ पर, हमारा कंट्रोल कितना बेटर होगा. इन सब चीज़ों के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है सेरेबेलम. तो फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर साइकिलिंग, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरेबेलम. इट मेंटेन बॉडी पोस्चर, इट मेंटेन आर बॉडी पोस्चर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम, लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा. इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरेबेलम. अगर कोई ड्रंक पर्सन होगा तो उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट अफेक्टेड होगा वो होगा सेरेबेलम. सेरेबेलम के अफेक्शन के वजह से वो लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन पर मूव नहीं कर पाते हैं या एग्जैक्ट मूवमेंट करते रहते हैं. तो उन पर्सन में सबसे पहला पार्ट जो अफेक्टेड होगा बाय द अल्कोहल इज कॉल्ड एज सेरेबेलम, क्योंकि वो हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है. It is also called as the second largest part of the brain. Second one is pons. Pons भी एक relay center की तरह काम करता है. Relay center का मतलब दो particular part को connect करेगा. तो works as relay center and कुछ aspect में ये हमारे respiration को भी control करता है. हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर जब डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, कितना डीप इनहेल करेंगे, कितना एक्सेलेशन हम लोगों को परफॉर्म करना होगा, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक सेंटर है विच इज़ लोकेटेड इन आवर मेड्यूला. पर मेड्यूला में हमारे जो सेंटर है उनको कंट्रोल करने के लिए देर आर टू सेंटर्स आर ऑल्सो फाउंड इन पोन्स. तो पोन्स कुछ एस्पेक्ट में रेस्पिरेशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है. बेसिकली मेड्यूला को कंट्रोल करेगा और मेड्यूला अल्टीमेटली ब्रीदिंग रेट को या रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करेगा. तो इसका रोल कुछ एस्पेक्ट में रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड होता है. मेन इंपॉर्टेंट सेंटर जो रेस्पिरेशन के लिए होगा वो होगा हमारे मेड्यूला वाले पार्ट में. मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और द थर्ड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज मेड्यूला ऑफ प्लैनकेटा. मेड्यूला ओब्लंगेटा जो स्पाइनल कोड होती है वो स्पाइनल कोड जो राइज होगी, ये स्पाइनल कोड जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ब्रेन के किस पार्ट से राइज होती है, मेड्यूला ओब्लंगेटा से. स्पाइनल कोड अराइज फ्रॉम मेड्यूला ओब्लंगेटा.
स्पाइनल कॉर्ड इज राइज फ्रॉम मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, द लास्ट पार्ट, और तो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो है मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। इसके फंक्शन हम लोगों को डिस्कस करने होंगे कि फंक्शन वाइज ये क्या करते हैं। फंक्शन अगर इसके डिस्कस करते हैं तो ये इन्वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ डिफरेंट सेंटर लाइक द कार्डियक सेंटर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो कार्डियक सेंटर होता है, इट इज लोकेटेड इन आर मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। देन रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर इट मीन्स इट कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन और द रेट ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग कितना इनहेल करेंगे, कितना एक्सेलेशन करना होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है मेड्यूला के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर, सम इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन जो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस में स्वलविंग, फूड को इनगल्फ करना, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलोविंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये जितने भी एक्शन होंगे इन्हें रेगुलेट करने के लिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। तो स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा से। कार्डियक सेंटर मीन्स हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है मेड्यूला। रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। देन इन्वॉलेंट्री एक्शंस या कुछ रिफ्लेक्स एक्शन कंडीशंस लाइक स्वेलोविंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, यूरिनेशन, डिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, डिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इन सबको रेगुलेट करने के लिए मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल होता है। डायग्रामेटिकली हम लोग सोचें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे मैंशन कर सकते हैं, तो एक कैपलाइक स्ट्रक्चर ब्रेन की होगी, उसमें डिफरेंट पार्ट हम लोग लेबल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैनिंजेस होंगी उसको प्रोटेक्ट करेगी, कुछ ग्रूव्स हमें दिखेंगे, द ग्रूव्स आर कॉल्ड एज गायरा एंड सल्साई। पार्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं द आउटर मोस्ट पार्ट जो हमें डोर्सल व्यू से दिखाई देता है, विच वन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, दिस बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। In the midbrain, in the posterior part, or the last part of the hind brain is called as medulla, जहाँ से spinal cord arise होगी। This one is the spinal cord. This part is called as cerebellum, the second largest part, corpus callosum, cortex वाले part में कुछ grooves बने होते हैं, grooves जिन्हें गायरा एंड सल्साई बोला जाता है। This one is cortex. मिड ब्रेन, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, पोन्स, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। दिस वन इज मिड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड,
connected to the hypothalamus. एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस. कॉर्टेक्स, और द कॉर्टेक्स मींस द आउटर पार्ट. सेरेब्रम का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर वन इज कॉल्ड इज मेड्यूला. अपीरियंस वाइज सोचें कॉर्टेक्स कैसा अपीरियंस देगा, ग्रे. इट मींस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हुआ है. वेर इज इनर मोस्ट पार्ट है वो मेड्यूला, वो बना होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन से, तो अपीरियंस कैसा होगा, वाइट कलर. स्ट्रक्चर है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड अराइज कहाँ से होते, द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, और यू कैन से मेड्यूला ओब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से अराइज होंगी. नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड रिफ्लेक्स सेक्शन ऑल्सो. फॉर टुडे